स्क्रीन को देखने के बाद मेरे को कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि बाज़ार के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़ें गिरावट के तौर पे एक्सटेंड करेगी। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि निफ्टी ड्रैग कर जाए, जैसे एक बार पहले 500 तोड़ेगा तो 400 भी जरूर टेस्ट करवा सकता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, 100 पॉइंट खोल देगा, फिर अगर 500 बचा के ले गया फिर 100 पॉइंट भी नहीं खोलेगा आपके लिए। तो 500 और 400 का वेरी इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, और सेम वेज 52,000 आज बैंक निफ्टी पे चेक करते रहना, मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं टूटना चाहिए। देखते हैं फिर क्या होता है आगे के आगे, देखेंगे। अभी तो शुरुआत हो रही है, आप ओपनिंग का मजा लीजिए और देखिए ज़रा कौन कौन सा शेयर क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है। हमारी टिकट टीम नीचे सारे स्टॉक्स को डाल देगी। ओपनिंग बेल हुई है, साथ ही साथ अगर आप निफ्टी के लेवल के हिसाब से देखेंगे तो निफ्टी की जो ओपनिंग हुई है करीब 57 पॉइंट अभी दिख रहा है आपको, 560 के आसपास, और बैंक निफ्टी के अंदर करीब 175 पॉइंट का इस समय नुकसान है, 52,210 के आसपास है। HDFC बैंक सीधा सीधा 1600 पे आ गया है और इसने 18 रुपये का नुकसान दिखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जोर पे नीचे है, और कुछ कुछ थेमेटिक शेयर्स आप अपनी थीम के हिसाब से ज़रूर ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कई बार आपको कह चुका हूँ रेलवे, कई बार कह चुका हूँ शुगर स्टॉक, कई बार कह चुका हूँ टी एंड कॉफ़ी स्टॉक, शूज़ वाले स्टॉक्स, ये सब के सब आपके हिट लिस्ट में होने चाहिए अगले 2-3 दिन, तो और ध्यान देना है इन सब में, ठीक है। तो शुरुआत उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हल्की कमज़ोर है। जी एंटरटेनमेंट FCGB के जरिए जो रकम जुटाई है वो गलत है, आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा ब्याज का। अब अगर आप इक्विटी या कोई और रूट अपनाते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। FCCB ये तो सबसे आसान तरीका होता है, बॉन्ड के जरिए मार्केट से माल उठा लाना। फिर भी आपने 3 प्लेयर को पैसा दिया और करीब 1997 करोड़ रुपए का अप्रूवल आपके पास आया है, शेयर ने पनिशमेंट दी, 5% इस समय नीचे आपको दिख रहा होगा। खैर एनी हाउ, कुछ और स्टॉक्स पे भी आपको मैं दिखाता हूँ, मैं अडानी ग्रुप के शेयर्स भी आज दिखाऊंगा आपको। मेरे पास सिर्फ अडानी ग्रीन्स को छोड़ के सभी शेयर इस समय लाल निशान में है। फ्लैगशिप कंपनी है 2 रुपये नीचे अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, ACC, ये सब के सब लाल निशान में इस समय आपको दिख रहे होंगे। बाज़ार के अंदर बहुत बड़े क्रैक तो नहीं है, बहुत बड़ी तेज़ी भी नहीं होगी और शायद पूरी तरह से रेंज में रखेगा। ये 40 पॉइंट का नुकसान इस समय निफ्टी के अंदर है और बैंक निफ्टी में नुकसान अभी भी 170 पॉइंट का चल रहा है। इंडिया विक्स के 2% ऊपर है, इंडिया विक्स मेरा अपना मानना है इवेंट से पहले 15 भी पार करेगा, हो सकता है 17 तक ड्रैग भी कर जाए। डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट के पहले का फियर और इवेंट से पहले की वॉलिटिटी को एडजस्ट करवाएगा। तो मेरे हिसाब से 17 तक विक्स आ जाना चाहिए जब तक आपका बजट आता है, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो 15.5 पे चल रहा है, लेकिन विक्स जैसे बढ़ेगा ना तो आपका ऊपर की कैपिंग करता जाएगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये कुछ मिला के बड़े बड़े मोटा मोटी पॉइंट्स मैंने आपको नोटिस करा दी थी। अब मैं आ जाता हूँ जरा ऐसे शेयर्स पे जिनके आज शुरुआती बढ़त और गिरावट है। टाटा पावर करीब 0.1% ऊपर, BPCL 0.5% ऊपर, LTI माइंडट्री और वेदांता भी 0.5% ऊपर। जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिए इन सभी शेयर्स का हाल। आज ऑटो स्टॉक्स भी थोड़ी मुश्किल देखने को मिल रही है, ना केवल आयशर टूट रहा बल्कि बजाज ऑटो के अंदर भी गिरावट है, और मारुति भी हम देख रहे हैं कई दिनों से प्रेशर झेल रहा है। एक बार ऑटो स्टॉक्स भी दिखा देना स्क्रीन पर अगर आपके पास ऑटो स्टॉक्स आते हैं तो फटाफट से। एशियन पेंट, बर्जर पेंट दोनों के पास 2-3% तक की गिरावट है। इसके अलावा फार्मास इसमें श्रीराम फाइनेंस फाइनेंस कंपनीज में और नेस्ले इंडिया कंजम्पशन में आज आपको टॉप लूजर के तौर पर दिखेंगे, इन सब में आज अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। और शेयर जो आज चल रहा है उसमें एक NTPC कोल इंडिया है, थोड़े ब्रेकआउट वाले शेयर्स हैं, बस इस पर ध्यान देने का। मेरे लिए मार्केट आज पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है, रेंज का कहीं भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है सच में तो कहीं दिख नहीं रहा। और थोड़ा बहुत पावर वाले स्टॉक्स पे ज़रूर आप ध्यान रख सकते हैं, जिन्होंने आज साल का हाई लगाया है, उन छोटे शेयर्स में बता रहा हूँ 500 वाली कैटेगरी में, उसमें एक मैरिको है, एक IGLB है और एक एम्फेसिस है, इन सभी शेयर्स ने आज साल का हाई भी टेस्ट किया है। हीट मैप पे जरा चलते हैं, हीट मैप लेके आते हैं। मेरे को लग नहीं रहा कि आज मार्केट के अंदर कुछ प्ले होगा, आप स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा। मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ स्पेसिफिक कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है। उस स्पेसिफिकेशन का एग्जांपल है कॉर्नेक्स, आज फिर से इस पर 5% का अपर सर्किट है। हमने आपको बताया था 450 पे शेयर हो चुका है, 550 रुपये का, 100 रुपये चल गया। सोचो आप, हमने क्या किया, हमने तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आर्टिकल में कवच दिखा, कवच से कर्नेक्स दिखा, कर्नेक्स आपके सामने रख दिया, मेरे को थोड़ी पता था 100 रुपये चलने जा रहा, और कहे मेरे कहे से नहीं कोई चेस चलता, ये गलत फहमी, ना मैं पालता हूँ ना मैं पालने देता हूँ किसी को भी। LTI माइंडट्री, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक, ये करीब करीब आपको 2-1% तक की मजबूती के साथ दिख रहे हैं। मेजोरिटी हीट मैप पे आप लाल निशान जरा देख पा रहे होंगे, वो वजह है इसकी क्योंकि ज़्यादातर शेयरों के धीरे धीरे करके जो पार्टिसिपेशन है वो अक्रॉस सेगमेंट से आई हुई है। जैसे आप स्टील का भी देखोगे, बैंक का भी देखोगे, पावर का भी देखोगे, फार्मा का भी देखोगे, ऑटो का भी देखोगे, तो सब के सब शेयर्स को इक्का दुक्का जो बड़ा प्लेयर है ना वो आ गया, इसलिए हीट मैप में आपको ज़्यादा नुकसान दिख रहा है, ज़्यादा लाल निशान दिख रहा है। अदरवाइज़ वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा जितना बाजार ने आज गैप डाउन के साथ किया था उसको तो कवर भी कर रहा है धीरे धीरे करके। देखते हैं क्या होता है, ये कुछ कुछ हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। छोटे शेयर्स में क्या हो रहा है,
ओपनिंग के ट्रेड कौन से हैं बताने के लिए अब अभिषेक जी आपके साथ। ठीक है, तो बाजार की एक रेंज वाली शुरुआत हुई है, लेकिन छोटे मझोले शेयरों में जो चुनिंदा एक्शन है उसकी बात करें, जस्ट डायल नंबर्स अच्छे आए थे, प्रॉफिट में 60% का उछाल है। जस्ट डायल का शेयर आप देखिए 10% ऊपर आपको ये कारोबार करता हुआ दिखेगा। इंडिया सीमेंट चीज शेयर लगातार मजबूत है, आज भी शुरुआत ऊपर की है इसने, 3-4% के आसपास की तेजी आपको इंडिया सीमेंट में दिखेगी। केसी इंटरनेशनल 1100 करोड़ रुपए का टीएनडी सेगमेंट में ऑर्डर, ये शेयर चल रहा है 4% ऊपर है। मुथूट मणप्पुरम, इस पर जेफरीज ने अपनी कवरेज इनिशिएट की है और टारगेट्स ऊपर के दिए हैं, ये दोनों शेयर साथ साथ चल रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज मजबूती बनते हुए आपको दिखाई देगी। कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं जिसमें रूरल प्ले है, इमामी का बड़ा मजबूत होल्ड है उसमें। इमामी आप देखिए, ये शेयर आपको ऊपर देखेगा। और अगर आप रेमंड को देखेंगे तो ये शेयर परसों भी चला था और आज भी उस तेजी को ये कंसोलिडेट कर रहा है। रेमंड के शेयर में हम मजबूती देख रहे हैं। कुछ और अगर हम छोटे शेयरों की बात करें तो उसमें आप एक शेयर नोटिस कीजिएगा बस, भागीरथ केमिकल, ये शेयर लगातार चल रहा है, 5% की तेजी आज भी आपको दिखेगी। छोटा रियल एस्टेट का प्लेयर है, नॉर्थ इंडिया प्रेजेंस ज्यादा है ओमैक्स की, ओमैक्स में लगातार तेजी हो रही है, 130 रुपए का भाव इसका हो गया है। और पंप वाले शेयरों में आज आपको तेजी दिखेगी, रोटो पंप ऊपर दिखेगा। MTNL का शेयर आपने नोटिस किया होगा कि 13 साल के हाइस पर ये ट्रेड कर रहा है और ऐसी खबरें चल रही हैं कि BSNL को MTNL का ऑपरेशन सौंपा जा सकता है, सरकार इस पर बहुत गंभीरता विचार कर रही है। आज भी MTNL के शेयर में मजबूती पर शुरुआत हुई है। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं कि एक्शन शुरुआती सत्र में बना है, लेकिन निश्चित तौर पर आज अगर निफ्टी अगर आपको सिर्फ 50 अंक अगर नीचे दिख रहा है, उसकी वजह ये है कि IT थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कंजम्पशन से और फार्मा से, तो जो डिफेंसिव से वहां से जो ही बाजार थोड़ा नीचे आ रहा है वहां से सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये बाजार में साफ साफ दिख रहा है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज गिरावट वाले जो प्लेयर हैं उनके पक्ष में है, करीब 1300 शेयर हैं कमजोरी वाले और 850 शेयर इस वक्त मजबूती वाले आपको दिखेंगे। निफ्टी बैंक की बात करें, 50 अंकों की हल्की सी कमजोरी आज निफ्टी बैंक में है, लेकिन जो शेयर कमजोर आज हैं आप उनको नोटिस कर लीजिएगा। ऑटोज में कमजोरी है और एशियन पेंट्स अपने नतीजों के दम पर ये शेयर आज गिर रहा है।